इसमें जो चीज मुझे करानी थी वो एक तो ये टॉपिक था, इसमें ये कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन वाली बात थी कि क्या क्या चीजें हैं जो मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है जिन पे डिपेंड कर रही होती है। तो देखो मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है तीन चीजों पे, एक नर्व इम्पल्स के ऊपर, इसके अलावा नर्व इम्पल्स के अलावा एनर्जी के ऊपर और कैल्शियम आइंस के ऊपर। तो देखो ये जो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं सारी, ये ब्रेन से इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में मैसेजेस आते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेजेस आते हैं तो इसका मतलब है चार्ज है हमारे मसल, हमारी नर्व चार्ज है। नर्व की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं न्यूरोलीमा, और मसल की जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं सार्कोलीमा। ये चार्ज होती है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब मसल रेस्ट की हालत में होते हैं तो चार्ज कितना होता है -65 mV चार्ज होता है इसका। और जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल ये पॉजिटिव में आ जाता है, तो इट विल बिकम +40, और ये वेरिएबल है, +40 या +45 mV। अब केमिकल फॉर्म में भी मैसेजेस आते हैं, केमिकल फॉर्म में जो मैसेजेस आते हैं उनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। जहाँ पे नर्व आके कनेक्ट होती है मसल से उसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जहाँ से नर्व आके कनेक्ट होती है मसल के साथ। ये मैसेज प्रोवाइड करते हैं, नर्व के थ्रू मैसेज आता है मसल के पास, अब वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट करने का हो चाहे रिलैक्स करने का हो। तो इसका मतलब है कि जब तक नर्व नहीं कनेक्ट होगी मसल से और मैसेज नहीं देगी मसल को तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ब्रेन से कोई सी मैसेज को आना है मसल के पास तो थ्रू नर्व आना है, यानी कि नर्व इम्पल्स के थ्रू आना है। इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है जिसके जरिए ब्रेन से मैसेज आ सके, किसी नर्व कोई नर्व ही लेकर आएगी और मसल को सप्लाई करेगी। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? एसिटाइल कॉलीन है, इसके अलावा सेरोटोनिन है, ग्लाइसिन है, गैबा है, एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, ये सारे के सारे वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि नर्व लेकर आती है और नर्व देती है मसल को, जिसके बाद ये मसल को मैसेज मिलने के बाद मसल अपना काम करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं। जैसे एक बीमारी है पोलियो, इस बीमारी में पोलियो की बीमारी के अंदर ये जो कनेक्शन है ये लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का मैसेज किसी मसल को मिलता नहीं है तो मसल कॉन्टेक्ट ही नहीं करते। जैसे आप देखते हैं पोलियो पेशेंट्स के जो हाइंड लिम्ब्स होते हैं वो काम ही नहीं कर रहे होते, वो इसीलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि ब्रेन से मैसेज जो आ रहा है वो मसल को मिल ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मसल में कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रही। तो मसल आपको सिर्फ रिलैक्स स्टेट में, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेट में दिखते हैं मसल सारे के सारे। अच्छा, इसके अलावा ये जो मसल है, ये दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनको रिक्वायर्ड है वो क्या है? दूसरी चीज एनर्जी है। हमें मालूम है एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी खाने से मिलती है, जो आप खाना खाते हैं वहां से आपके मसल्स को एनर्जी मिलती है। जब आप खाना खाते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में, जिसके बाद सारे फूड कंपोनेंट टूटते जाते हैं, सिंप्लीफाई होते जाते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और जब ये छोटे से छोटे होते जाते हैं तो जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है वो बिल्फर्ड्स ग्लूकोज है, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में, हमारे लीवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जमा हो जाते हैं, और जब भी कभी हमारे मसल्स काम करते हैं तो यही ग्लाइकोजन को वापस रिवर्स तोड़ते हैं ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज हमारे मसल्स को मिल जाता है, वहां से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और एटीपी के जरिए हमारे मसल्स काम करते हैं जो एनर्जी की सोर्स है। इसका मतलब कि जो एनर्जी मिल रही है वो खाने से मिल रही है, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो मसल्स को दे रहे हैं। इसके अलावा एक और सब्सटेंस है, ये भी खाने से बनता है, क्रिएटिन फॉस्फेट नाम है इसका। क्रिएटिन फॉस्फेट में से फॉस्फेट अलग हो जाता है और फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके मसल्स को काम करने के लिए। तो ये दो चीजें थी जो आपके मसल्स को मिल रही है कंटिन्यू, जिसके बाद आपके मसल्स काम कर पा रहे हैं। इसके अलावा तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो कैल्शियम आइन्स है। कैल्शियम आइन हमारे मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जमा हुए हुए होते हैं। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसमें कैल्शियम आइन का रिजर्वायर है, इसमें कैल्शियम आइन जमा हुए हुए होते हैं। तो जब भी कभी ब्रेन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स आते हैं मसल के पास तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम बाहर निकलता है, और कैल्शियम ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जिन्होंने एक्टिव साइट्स को ब्लॉक किया हुआ होता है वो अनब्लॉक करा देते हैं। तो जब ये ब्लॉक हो जाते हैं, जब ये अनब्लॉक हो जाते हैं तो अनब्लॉक होता है। देखो मैंने मना किया था, तुमने YouTube पे देख लिया और मान रिकॉर्ड करने का फायदा क्या हुआ? रिकॉर्ड
रिकॉर्डिंग में चल रही है, बोलते रहोगे तो देखो मैंने कहा आपसे ये जो ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है इसको रिमूव कराता है कैल्शियमाइन। तो जब ये कैल्शियमाइन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को रिमूव करा देता है तो फिर अब जो बल्बुलस हेड है मायोसिन फिलामेंट का वो आके अटैच हो जाता है एक्टिव साइट के पास। तो जब ये एक्टिव साइट के पास आके अटैच हो जाता है तो फिर मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होती है। इसका मतलब है कैल्शियम का रोल क्या है, एक दफा दोबारा बीच में इंटरप्शन आएगी थोड़ी सी। कैल्शियमाइन का ये रोल है कि ये एक्टिव साइट को एक्टिन फिलामेंट की अनब्लॉक कराता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को हटाता है वहां से ताकि बल्बुलस हेड मायोसिन फिलामेंट का अटैच हो सके और वो वहां पे टिल्टिंग कराए ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये तीन चीजें थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करा रही हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है ये जो है वहां पे अपना काम पूरा कर लेते हैं। अच्छा ये तो एक तो कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में तीन चीजों की बात करनी थी। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज जो है वो मसल फटीग है। तीसरी चीज मसल फटीग है। मसल फटीग की बात करें अगर तो मसल फटीग है क्या, हमारे मसल जितने भी हैं स्केलेटल मसल ये एरोबिक कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं और एनएरोबिक कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं। एरोबिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनएरोबिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जब भी कभी आप हैवी काम करते हैं, हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हैवी एक्सरसाइजेस करने के बाद हमारे मसल्स ड्यूरिंग दिस टाइम एनएरोबिक काम करने लगते हैं, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी कभी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल काम करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इंस्टेड ऑफ पायरोबिक एसिड। पायरोबिक एसिड की जगह लैक्टिक एसिड बनाएंगे और लैक्टिक एसिड तमाम आयनिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, पीएच लेवल को कम कर देता है और जमा हो जाता है मसल्स के अंदर, जो कॉज करता है ये फटीग का बाइस बनता है, फटीग कॉज करता है। तो जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड जमा होगा उतनी ज्यादा फटीग और पेन होगा। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज है कि ये जो फटीग है इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं तो आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग ये तमाम का तमाम लैक्टिक एसिड आपके मसल में से बाहर निकल जाता है। कौन इसको बाहर निकालता है, ऑक्सीजन बाहर निकालती है। तो वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे मसल्स को चाहिए कि जो लैक्टिक एसिड आके मसल में जमा हुआ उसको बाहर निकाल दे, इस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को आप ऑक्सीजन डेप कहते हैं। ये है मसल फटीग। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है जो हमें करनी थी वो क्या चीज है, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो तुम्हारे पास ये स्क्रीन पे तुम्हें नजर भी आ रहा होगा, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन में दो चीजें, एक टेटिनी है और एक क्रैम्प है। तो देखो ये दोनों एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन है, टेटिनी भी और क्रैम्प्स भी। टेटिनी वो बीमारी है जो जब होती है जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा कम हो जाए। कैल्शियम का लेवल कितना होता है ब्लड में, 8.5 से लेकर 10.5, ये नॉर्मल कैल्शियम का लेवल है। जब 8.5 से नीचे जाता है कैल्शियम का लेवल तो मैसेज जाता है बॉडी को कि कैल्शियम का लेवल डाउन हो रहा है, मसल्स में भी कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से टेटिनी हो जाती है। टेटिनी न्यूरॉन्स को एक्साइट करती है, मसल है। इसके अलावा टेटिनी की वजह से एकदम कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है। हम वैसे टेटिनी जो है ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी मसल की किसी को टेटिनी हो गई, तो उसका मतलब ये है कि उसके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करे ही रह जाएंगे, रिलैक्स नहीं होंगे। तो जब रिलैक्स नहीं होंगे तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई ही ख़त्म हो गई तो बेटे आप काम कैसे करेंगे, यानी कि इट कैन बी फेटल या इसकी वजह से डेथ हो सकती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, क्रैम्प। ये भी सडन अचानक से इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर मसल कॉन्ट्रैक्शन है क्रैम्प। क्रैम्प को मसल पुल भी कहते हैं। ये नॉर्मली जितने भी मसल्स हैं हमारे जो साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं, इसका मतलब है कि उनको नीड ज़्यादा है एनर्जी की, वहाँ पे फाइबर ज़्यादा हैं, वहाँ से लॉस ज़्यादा हो सकता है।
आइंस का या इन चीलों का, तो वहां पे नॉर्मली मसल पुल या क्रैम पड़ते हैं। ये कुछ सेकंड से शुरू होता है और काफी घंटों तक के लिए भी क्रैम पड़ सकते हैं। क्रैम नॉर्मली ज्यादातर आप रात में सो रहे होते हैं और एकदम क्रैम पड़ता है, आपकी चीख निकल जाती है, आप उठते हैं कि भाई एकदम पाँव जो है अकड़ गया आपका। ये जो क्रैम्प है ज्यादातर फीमेल्स को भी होते हैं ड्यूरिंग देयर मेनस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि फीमेल में मेनस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें लॉस होता है आइंस का, जैसे ग्लूकोज की कमी है या पानी का लॉस ज्यादा हो रहा होता है, या जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं जैसे एथलीट्स हैं, धूप में खेल रहे हैं तो इनकी बॉडी से प्रिस्पायरेशन हो रही है, पानी निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा है, या शुगर लेवल कम हो रहा है ज्यादा काम करने की वजह से, रमजानों में होता है नॉर्मली लोगों के साथ, तो उनके मसल अकड़ जाते हैं, ये है क्रैम्प। तो इसमें देखो ये दो एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रेक्शन थी, एक टेटनी है और दूसरा कौन सी, टेटनी के अलावा मसल पुल है। ये दो चीजें हैं, टेटनी और मसल पुल, ये एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रेक्शन में आती हैं चीजें। अच्छा, उसके बाद अरेंजमेंट की बात करें, स्केलेटल मसल्स की अरेंजमेंट की बात करें, तो देखो एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। अब एंटागोनिस्टिक का मसल क्या, ये मसल हमेशा पेयर में होते हैं, एक मसल काम करता है तो उसका अपोजिट मसल रिलैक्स हुआ हुआ होता है। ये जो रिलेशनशिप है मसल्स का, ये एक काम करेगा तो दूसरा उसका अपोजिट मसल जो है जो दूसरे एंड पर है वो रिलैक्स हुआ हुआ होगा। जैसे इसकी सादा मिसाल ये बाइसेप और ट्राइसेप, ये हमारे शोल्डर में यहाँ पे सामने की तरफ जो ये मसल है, ये बाइसेप जो आपकी एल्बो को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और पीछे वाला मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये आपकी एल्बो को एक्सटेंड कराता है। जब ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पीछे वाला मसल रिलैक्स है, तभी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और ये पूरी एल्बो फ्लेक्स हो गई। अब जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप रिलैक्स होगा ताकि आपकी एल्बो दोबारा एक्सटेंड हो जाए। इसका मतलब है कि मसल पेयर में काम करते हैं और एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा होता है ताकि स्मूथ मूवमेंट हो। स्मूथ मूवमेंट के लिए एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं हमारे पास। इसके अलावा मसल्स में फ्लेक्सर एक्सटेंसर है। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर में डिफरेंस क्या होता है, देखो बेटे फ्लेक्सर्स वो होते हैं जैसे हम मैंने अभी एल्बो की बात करी थी, फ्लेक्सर्स क्या होते हैं जो एल्बो को फ्लेक्शन कराते हैं, ये एल्बो की फ्लेक्शन है, और एक्सटेंसर्स क्या होते हैं, ये एल्बो की एक्सटेंशन है। इसका मतलब जो एक बोन को दूसरी बोन के करीब ला रहे होते हैं ये फ्लेक्सर है यहाँ पर एल्बो पे, और एक्सटेंसर एल्बो पे क्या है, जो एल्बो को दूर कर रहे हैं, यानी कि एक बोन को दूसरी बोन से दूर लेके जा रहे हैं। अच्छा देखो बेटे अजान हो रही है तो दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, अजान पूरी हो जाए पहले। देखो बेटे अब इसके अलावा ये तो मैंने बात करी थी आपसे एल्बो पे जो बाइसेप और ट्राइसेप काम कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि मसल जो होते हैं एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि मसल हमेशा पेयर में काम करते हैं, मसल हमेशा पेयर में काम करते हैं, और एल्बो पे फ्लेक्शन ये है, एल्बो पे एक्सटेंशन ये है। इसके अलावा देखो दो मूवमेंट और भी हैं जैसे शोल्डर ज्वाइंट पे आपके, ये जैसे आप हाथ दूर लेके जा रहे हैं ये वाली जो मूवमेंट है,
ये एबडक्शन है, एबडक्शन। इसके अलावा हाथ वापस आप अंदर ले आए, ये कौन सी मूवमेंट है, एडक्शन। इसका मतलब यहाँ पे भी दो मसल्स होंगे, एक एबडक्टर होगा और एक एडक्टर होगा, दो मसल्स होंगे यहाँ पे। एबडक्टर क्या कर रहा है, ये हाथ को दूर लेके जा रहा है। इस वक्त एडक्टर, ये वाला मसल एडक्टर जो हाथ को करीब लेके आता है, ये क्या हुआ हुआ है, रिलैक्स। और ये वाला मसल एबडक्टर, ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तभी आपका लिम्ब दूर चला गया। इसके अलावा जब एडक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हाथ वापस आ जाएगा, इस वक्त एबडक्टर क्या हुआ हुआ होगा, रिलैक्स हुआ हुआ होगा। हमारी बॉडी में शोल्डर ज्वाइंट जैसे है, शोल्डर ज्वाइंट पे मल्टीपल मूवमेंट्स होती हैं। मल्टीपल मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, अब शोल्डर ज्वाइंट की बात करूं अगर मैं, तो देखो इसमें मैं तुम्हें करके दिखाऊं अगर कि इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं शोल्डर ज्वाइंट पे। अगर तुम लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है इजीली, तो देखो ये वाली जो मूवमेंट है, ये मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, हाथ उठा रहा हूँ, ये हाथ जो ऊपर उठाया, ये कौन सी मूवमेंट है, ये फ्लेक्शन है। हाथ जो पीछे लेके गया मैं, ये कौन सी मूवमेंट है, जैसे ये एक्सटेंशन है। इसके अलावा हाथ जैसे यूं साइड में ले जाए आप, ये क्या है, ये एबडक्शन है। और हाथ वापस ले आए तो ये एडक्शन है। और अगर हाथ चारों तरफ रोटेट करें आप, इस तरह रोटेट करें चारों तरफ हाथ, तो ये क्या होगी, ये सर्कमडक्शन होगी, ये सर्कमडक्शन होगी। उसका मतलब है शोल्डर ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है, यहाँ पे ये पांच मूवमेंट्स होती हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेयर में है मसल्स, लेकिन जितने भी पेयर में है मसल्स, वो एक जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा मसल हमेशा कैसा होगा, रिलैक्स हुआ हुआ होगा, इसी तरह काम होगा, वरना मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। अगर दोनों मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज्वाइंट स्टिफ हो जाएगा ना, अकड़ जाएगा ज्वाइंट। और अगर दोनों मसल एक साथ रिलैक्स हो जाएंगे तो मूवमेंट ही नहीं है, अगेन वही बात। तो उसका मतलब है मसल्स हमेशा पेयर में काम करते हैं, एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो दूसरा मसल जो है वो रिलैक्स किया हुआ होता है, इसी तरह मसल्स की मूवमेंट होती है हमेशा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है, लोकोमोशन की बात करनी है हमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। तो देखो इसमें पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें अगर आप, तो लोकोमोशन यूग्लीना में, पैरामीशियम में या बाकी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले यूग्लीना, ये आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें यूग्लीना लिखा हुआ है। तो देखो सिंप्लीफाई करके बताता हूँ मैं, यूग्लीना एक प्रोटोकिस्टा है और ये प्लांट लाइक प्रोटोकिस्टा है। इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, इसमें पायरिनोइड भी है। इसका जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लैजेला। एक एंटीरियर एंड के ऊपर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, उसको फ्लैजेला कहते हैं, जो कि जब भी कभी मूव करेगा तो बॉडी की मूवमेंट होगी, यानी कि लोकोमोशन होगी। फ्लैजेला की मूवमेंट को विप लाइक मूवमेंट कहते हैं। ये साइड में इस तरह बैंड होता है और फिर ये इस तरह इरेक्ट होता है, फिर ये एक तरफ बैंड होता है, फिर ये इस तरह इरेक्ट होता है। जब भी कभी फ्लैजेला यूग्लीना का ये बैंड होगा इस तरह साइड में, तो इसकी बॉडी को ये पुश करेगा आगे की तरफ, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। फिर इस तरह और बैंड होगा तो ये और पुश करेगा फॉरवर्ड, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हो रही है फ्लैजेला की, वो एक साइड पर बैंड होके बॉडी को पुश करने की मूवमेंट है, और फिर स्ट्रेट हो जाना, फिर बैंड होना, फिर पुश फॉरवर्ड मूव कराना, और फिर स्ट्रेट हो जाना। इन मूवमेंट्स को विप लाइक मूवमेंट्स कहते हैं या यूग्लीनोइड मूवमेंट्स कहते हैं। तो इनमें जो मूवमेंट हो रही है वो फ्लैजेला उसमें हेल्प कर रहे हैं। मैंने आपको करके भी बताया कि किस तरह से इसको हेल्प करा रहे हैं मूवमेंट में। इसके अलावा दूसरे जो है वो पैरामीशियम है। अब पैरामीशियम जो है बेटे, अगेन ये भी प्रोटोकिस्टा है। इसमें जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, वो सिलेरी मूवमेंट्स कहलाती हैं। अच्छा, यूग्लीना की जो मूवमेंट है यूग्लीनोइड है, इसकी जो है पैरामीशियम की वो सिलेरी मूवमेंट है। यूग्लीना के पास फ्लैजेला था एंटीरियर एंड के ऊपर, जबकि पैरामीशियम के पास पूरी बॉडी कवर्ड है छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर से। इन बाल नुमा स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिलिया, इससे पूरी बॉडी कवर्ड हुई हुई होती है। अब सिलिया शॉर्ट एक्सटेंशन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से निकल रहे होते हैं, और सिलिया जो है ये कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं, ये मूव कराते हैं। अब इनमें क्या होता है, सिलिया पूरी बॉडी के ऊपर है, ये पीछे की तरफ बैंड होते हैं, पीछे की तरफ बैंड होते हैं, तो बॉडी को कहाँ करते हैं, पुश आगे की तरफ। जैसे बिलफर्ज आप हाथ दोनों नीचे रख लें और अपने आप को वजन डालें अपना दोनों हाथों में, तो आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। सेम इसी तरह से सिलिया जो होते हैं वो पीछे की तरफ जब बैंड होते हैं तो बॉडी को फॉरवर्ड पुश देते हैं आगे की तरफ, इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। और जब सिलिया वापस अपनी नॉर्मल पोजिशन पर आते हैं तो उसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो जब भी कभी पीछे जाएंगे यानी कि पावर स्ट्रोक देंगे, तो बॉडी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड आगे की तरफ। और एक
वापस जब आ जाएंगे नॉर्मल पोजीशन पे तो क्या होगी, रिकवरी स्ट्रोक। तो रिपीटेडली सिंक्रोनाइज्ड मैनर में सिलिया पीछे की तरफ जाते हैं और आगे, पीछे और आगे, पीछे और आगे। जब भी कभी पीछे जाएंगे तो पावर स्ट्रोक, जब भी कभी आगे आएंगे तो रिकवरी स्ट्रोक। जब पीछे जाएंगे यानी कि पावर स्ट्रोक होगी तो बॉडी को पुश करेंगे आगे की तरफ। तो इनमें जो मूवमेंट हो रही है वो इस तरह से हो रही है। और देखो जितनी भी मूवमेंट होती है, मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें मालूम है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी। तो एटीपी के जरिए एनर्जी मिल रही है और जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है। अब नेक्स्ट चीज, लोकोमोशन इन अमीबा। हमारी बुक में अमीबा की लोकोमोशन के बारे में तो ये लिखा हुआ है कि अमीबा सूडोपोडियस की हेल्प से मूव करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सूडोपोडिया फॉर्म कैसे होते हैं, साइटोप्लाज्म से फॉर्म होते हैं। एक टेक्निक है सोल जेल टेक्निक। ये दो साइंटिस्ट हैं, इनके नाम आपको नजर आ रहे होंगे, ये हेमन और इसके अलावा मास्क। ये दो साइंटिस्ट हैं हेमन और मास्क, इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी सोल जेल थ्योरी। अच्छा देखो अगेन ये थ्योरी है तो उसकी एक्सेप्टेंस है और उसके ऑब्जेक्शंस भी हैं लोगों ने किए। अब ये थ्योरी है क्या, सिंप्लीफाई करके बताया अगर, तो देखो बेटे अमीबा की बॉडी के ऊपर एक पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रेन है, तो कहते हैं प्लाज्मोलीमा। उसके अंदर आओ, सबसे बाहर ये मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलीमा। उसके अंदर एक्टोप्लाज्म है, उससे अंदर क्या है एंडोप्लाज्म है। दोबारा एक दफा बाहर से शुरू कर रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। बाहर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्टोप्लाज्म, फिर एंडोप्लाज्म। इनर एंडोप्लाज्म भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वो दो हिस्से कौन से, एक जो पार्ट है इसका बाहर वाला तो कहते हैं प्लाज्मा जेल, और जो सबसे अंदर है वो लिक्विड है उसमें ज्यादा फ्लूइड भरा हुआ है, उसको कहते हैं प्लाज्मा सोल। दोबारा सबसे बाहर से शुरू कर रहे हैं अंदर आ रहे हैं, सबसे बाहर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर एक्टोप्लाज्म, फिर एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पहले प्लाज्मा जेल है, सबसे अंदर मिडिल में प्लाज्मा सोल है। जेल में और सोल में क्या डिफरेंस है, जेल जो है ज्यादा विस्कस है, सोल जो है उसकी विस्कोसिटी कम है, वो लिक्विड है ज्यादा, पानी जैसा है। अब जहां कहीं पर भी सूडोपोडिया को फॉर्म होना होता है वहां पे होता क्या है, पहले जो प्लाज्मा जेल है, जेल प्लाज्मा जेल, ये कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सोल में, यानी कि एक ज्यादा विस्कस चीज एक लिक्विड ज्यादा जिसकी विस्कोसिटी कम है उसमें चेंज हो जाता है। अब जो प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में जब चेंज हो जाता है तो यही सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और वहां पे सूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है। तो सूडोपोडिया की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन प्लाज्मा जेल के प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट होने के बाद हो रही है, और जब ये सूडोपोडिया फॉर्म हो जाता है तो वो मूवमेंट कराता है। जब मूवमेंट हो जाती है पूरी तो अब प्लाज्मा जेल जो प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट हुआ था उसका क्या होता है, वो अगेन भी कन्वर्ट हो जाता है वापस से किस में, प्लाज्मा जेल में ही। तो ये काम रिपीटेडली होता रहता है, प्लाज्मा जो प्लाज्मा जेल जो है वो सोल में कन्वर्ट हो रहा है, और जब वो सोल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो प्लाज्मो ये सूडोपोडिया बनाता है, और सूडोपोडिया हेल्प करता है मूवमेंट में। इस तरह से जो मूवमेंट हो रही है इसको सोल जेल टेक्निक भी कहते हैं। इसके बाद ये तो हमने किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात, उनकी मूवमेंट। अब अगर बात करें लोकोमोशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, यानी कि एक से ज्यादा सेल वाले जानवरों की, तो उसमें लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म में मूवमेंट कैसे होती है, देखो अर्थवॉर्म में जो स्केलेटन है वो कौन सा है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का मतलब कि इनकी बॉडी में लिक्विड भरा हुआ है, इनकी बॉडी के अंदर लिक्विड भरा हुआ है जो लिक्विड बॉडी को शेप देता है और जो है मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। इस लिक्विड को सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, जो बॉडी के चारों तरफ वॉल पे प्रेशर डाल रहा है। इसके अलावा मसल्स हैं इनके पास, दो तरह के मसल्स हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। इसकी बात मैंने पहले भी करी थी आप लोगों से, ये जो दो मसल हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। सर्कुलर मसल गोल गोल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। अच्छा ये दोनों मसल्स के अलावा इनके पास एक और एडिशनल स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं सीटा। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर से निकले हुए हैं, जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। अच्छा अब जब भी कभी ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्टेक्ट करेंगे तो बॉडी छोटी हो जाती है, और जब भी कभी सर्कुलर मसल्स कॉन्टेक्ट करते हैं तो बॉडी इलॉन्गेट हो जाती है।
और सीटा तो हैं जो पूरी बॉडी में से बाहर निकल रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर। तो इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी इलोंगेट और शॉर्टन, इलोंगेट और शॉर्टन होकर आगे की तरफ मूव करती रहती है। हेल्प कौन करते हैं इसकी, सीटा हेल्प करते हैं इन मूवमेंट में। सीटा एंकर का काम करते हैं, अपने आप को अटैच कर लेते हैं जमीन के साथ और फिर इसकी ग्रिप लूज हो जाती है, फिर आगे की तरफ जाता है। जेलीफिश की बात करें अगर, तो बेटे जेलीफिश जो है ये फाइलम नेडेरिया को बिलोंग करने वाला एक एनिमल है, और इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो पानी के भर जाने की वजह से होती है बॉडी के अंदर। इसके पास मसल्स हैं, इसका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास एक ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। पहले बाहर से पानी बॉडी के अंदर भरता है इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में और भरता जाता है, जितना मैक्सिमम आ सकता है उतना ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर आ जाता है। फिर इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड से और पानी नीचे की तरफ निकलता है बाहर। जब पानी तेजी से नीचे की तरफ बाहर निकलता है तो ये एक अप थ्रस्ट फोर्स देता है इसको, जिसकी वजह से जेलीफिश ऊपर की तरफ मूव करती है। इस तरह की मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, जेट प्रोपल्शन कहते हैं। तो बेटे मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जेलीफिश की बॉडी है सिलेंड्रिकल, नीचे की तरफ माउथ है, उसमें पानी भर रहा है, माउथ से पानी आ रहा है बॉडी में भर रहा है, बॉडी एक्सपेंड हो रही है जितनी ज्यादा हो सकती है। जब मैक्सिमम एक्सपेंड हो जाती है तो बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड से, पानी को नीचे की तरफ रास्ता मिलता है निकलने का, पानी नीचे से निकलता है तेजी से और बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करता है, अप थ्रस्ट फोर्स लगाता है। इस तरह की मूवमेंट को जेट प्रोपल्शन कहते हैं, जो जेलीफिश में होती है। इसके बाद लोकोमोशन इन स्नेल, स्नेल के पास भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, लेकिन इसके पास मस्कुलर फुट भी है जो इसकी हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर। स्नेल जो है वो मूव करता है कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, स्नेल्स के अंदर मूवमेंट जो होती है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या फुट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। अच्छा देखो बेटे, हमारा तुम्हें दिख गया होगा ये स्लोगन, हमारे पास आखिरी 10 मिनट्स हैं, तो इसमें बस मैं ये स्नेल तक करा रहा हूँ, फिर तुम्हारे सवाल ले लूंगा ताकि फिर हमारी ये मीटिंग एंड हो जाए, फिर इंशाल्लाह पे कल फिर क्लास लूंगा। अच्छा ये जो मस्कुलर फुट है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वेव लाइक, आपने टैंक देखे होंगे, टैंक के अंदर बेल्ट देखी होगी, वो बेल्ट रोटेट करती है तो टैंक आगे की तरफ मूव करता है। सेम इसी तरह से स्नेल के अंदर नीचे फुट लगे हुए, मस्कुलर फुट है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आगे से पीछे की तरफ, मसल की कॉन्ट्रैक्शन वेव जैसी होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन वेव जैसी हो रही है, पीछे की तरफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आगे से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है मसल और पीछे की तरफ तक कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ आ रहा है, तो ये पुश करता है स्नेल को आगे की तरफ। इसके अलावा ये अपने मुंह से सलाइवा या एक लुब्रिकेंट गिरा रहे होते हैं जो आगे की तरफ गिर रहा होता है, जिसकी वजह से स्नेल जो है वो आगे की तरफ ईजिली जा पाता है ताकि फ्रिक्शन को खत्म किया जा सके। तो बेटे ये यहाँ तक की बात थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी, अब इंशाल्लाह बाकी क्लास अगली